तो आपको क्या लगता है कि जो सरकार आई थी पहले कांग्रेस की और वो चली गई, तो उससे नुकसान हुआ? आप लोगों ने क्या क्या सोचा था, सरकार कांग्रेस की आई है तो कुछ काम होगा और फिर वो बीच में गिर गई और ये सरकार आ गई, तो क्या वो बेहतर थी? अभी आपको क्या लगता है कि क्या है, किसको ज्यादा वोट पड़ने वाला, क्या लग रहा है आपको माहौल अभी? संदीप जी जवाब देंगे, राहुल जी का। संदीप पात्रा जी, आपके इलाके में क्या माहौल है? हमारे इलाके में तो बीजेपी है। तो लेकिन आप तो कह रहे हैं कि बिजली नहीं मिल रही, तमाम चीज प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर वोट क्यों मिल रहा है? बिजली नहीं मिल रही लेकिन तब भी हम तो बीजेपी को ही वोट देंगे। क्या बोला तूने? बिजली नहीं मिल रही लेकिन तब भी हम तो बीजेपी को ही वोट देंगे। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कारण क्या है? कारण क्या है, हम वो तो इसी को देते हैं हम तो वोट। कुछ भी जैसे कोई भी सरकार आ जाए, उसको किसान की याद, आपको लगता है कि किसान की याद तब आती है उसको जब चुनाव आ जाते हैं? चुनाव के टाइम पे याद है, वो तो सही है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। शहर में तो विकास दिखेगा, गांव में? गांव में नहीं है विकास। सड़कों की क्या हालत है आपको अंदर गांव में? हमारे रोड डरने लगा, पहले खराब थी इसलिए हम वोट देंगे वहीं पे। कुछ भी नहीं, लेकिन गांव के अंदर मतलब अभी जाके पड़ने लगी, अभी डर रहा है सरकार। वो 18 साल से ये फंस गया सी है। 18 साल से तो है, लेकिन इसी साल प्रभुराम चौधरी डरवा रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप बीजेपी के वोटर हैं, इसलिए काम थोड़ा कम भी हो तो चलेगा, यही कह रहे हैं? हाँ। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं?